तो ये जो है ना मोटर, वो पूरे जो नया मोटर का मैंने वीडियो बनाया था ना, वो 5 HP का, उससे पहले ये मोटर था वहाँ पे। तो ये मोटर को भी आप देख लीजिए, कवर किया था मैंने बारिश की वजह से, निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये रही, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर आपको ये दिख रहा है ना, ये मोटर ख़राब हो चुका है, तो मोटर ख़राब नहीं हुआ है, ऊपर से ये थोड़ा बहुत सड़ चुका है, पर मोटर अच्छे से चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सेम है 3 फेज लाइन। और ऐसे मोटर को एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हो, देखो कितना इसके अंदर पूरी तरीके से ये कचरा है थोड़ा बहुत, इसको साफ़ कर दिया जाए ना तो हो जाएगा। इसका थोड़ा बहुत ग्लैंड है ना, ये यहाँ पे जो ग्लैंड रहता है ना, वो ग्लैंड ख़राब हो गया, उसको थोड़ा बहुत उसकी वजह से ये लीकेज होता था थोड़ा बहुत, वो अच्छा है चलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको अच्छी तरीके से, इसको भी सर्विसिंग कराना पड़ेगा अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो नट बिट कम्प्लीट, यहाँ पे देखो ये देख लीजिए, और ये जो ये फ़ैन है ना, ये निकालते समय थोड़ा बहुत टूट गया था, ये देखिए फ़ैन भी इजी घूम रहा है, ये देख लीजिए, ये बजे, ये देखो यहाँ इसके अंदर से पानी आ रहा है, देख रहा है वो इसके, ये देख लीजिए ये 5 HP का है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छा है। मोटर मोटर को उतना प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 3 फेज लाइन जो हम लोग इसका जो वायरिंग करने के लिए जो ही रहता है ना, ये देख लीजिए, इसको डायरेक्ट हम लोग कट किया था वायर को, ठीक है। उसको कम से कम मुझे लगता है 10-15 साल हो चुका है इस मोटर को, फिर भी ये अच्छी सी चल रहा था, इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था। अब सामने से देख सकते हैं, ये देख लीजिए सामने से भी आप देख लो, सामने से आप देख लीजिए, सामने से मैं आपको ये दिखा देता हूँ अंदर ना, ये देखो अंदर देखो किस तरह से ये रहता है, ये जो है ना ये टेफ्लॉन टेप है, टेफ्लॉन टेप निकाल के दिखाएगा आपका, इसके अंदर ना हम लोग ये लगाया था, इसके अंदर आपको ये लगाना पड़ेगा मेरा एडाप्टर, मेरा एडाप्टर। फिर वो देखिए पूरी तरीके से आई थिंक ख़राब हो गया मोटर, ये ऊपर से इधर पर अच्छे से चलता है, उसको प्रॉब्लम है नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत कभी भी ख़राब हो सकता था, इस वजह से हम लोग उसको चेंज कर दिया। फिलहाल ये नॉर्मल कंडीशन में, बोल नहीं सकता अच्छी कंडीशन में, ग्लैंड इसका ग्लैंड का ही प्रॉब्लम था उसका, इसकी वजह से इसको हमको चेंज करना पड़ा। ये देख लीजिए यहाँ से आप देख सकते हैं इसको ब्लेड को, ऊपर से आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये बहुत ख़राब हो गया, पर उतना ख़राब नहीं है, सही है मोटर, ओल्ड मोटर। ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ये टेस्टर से आपको थोड़ा बहुत ये करके दिखा देंगे, ठीक है। ये देखिए ये दिख रहा है आपको मोटर अच्छा है, मोटर को कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं, खाली ग्लैंड का है, यूज हो सकता है ये मोटर जो है ना, ये यूज हो सकता है। इसको अगर साफ करोगे ना, इसको आपको साफ करना पड़ता है, इसको अच्छी तरीके से साफ करोगे ना, इसको साफ करके ना, आपके साथ वीडियो शेयर क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मोटर है ना, तो पुराना मोटर भी आपको दिखाएगा, ये मोटर चेंज किया है, इस वजह से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इसका स्क्रू पूरी तरह से सर है, यहाँ पे देख सकते हो वायरिंग, ये जो इतना साइज है ना फैन का, ये देखो आप ब्लेड का साइज देखो, ये 5 HP का मोटर, ये भी मुझे लगता है अभी जो हम लोग मोटर लिया उसका साइज 40,000 रुपीज़ है, नॉर्मल में बोल रहा हूँ बिल्डर्स का 40, इसका आई थिंक उसी टाइम पे 25 तक रहेगा आई थिंक, बहुत ये 10-15 साल भी पुराना है, वो ये भी किर्लोस कर का है, जो आपको पंप कितना ना ये किर्लोस कर का ही पंप, इधर आवाज़ आता है। तो दोस्तों एक नॉर्मल सा वीडियो था, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ये देखिए यहाँ से आपको अगर इस एंगल आपको ना अच्छा दिखेगा, इस एंगल जो आपको ना एंगल से आपको सही दिखेगा, ये देखिए।
तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।